तो दोस्तों आज हम लाए हैं कुछ यूनिक क्रैकर्स और उसके साथ ही लाए हैं कुछ यूनिक गन। चलिए इसका टेस्टिंग करते हैं। आज पहला इसमें धागा बम, इसे निकालते हैं कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों इसे जलाने के लिए इसके दोनों छोरों पर पकड़कर खींचना पड़ता है कुछ इस तरीके से, तब जाकर जलता है। दोस्तों आपने देखा इसका साउंड काफ़ी कमाल का था। चलिए एक और जलाकर दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट हमारे पास है रिंग कैप गन, इसे टेस्टिंग करते हैं आखिर ये कैसे जलता है। दोस्तों ये रहा इस गन का लोडर, इसके अंदर मैंने पहले से ही रिंग कैप को भर दिया है, आप देख सकते हो। तो चलिए इसे लगाते हैं और फायर करते हैं आखिर इसका साउंड कैसा आता है। दोस्तों इसका साउंड काफी कमाल का था। चलिए नेक्स्ट हमारे पास एक और गन। दोस्तों ये भी रिंग कैप गन ही है, लेकिन ये गन उस गन से थोड़ा बड़ा है। चलिए टेस्टिंग करते हैं अब। दोस्तों लगता है इसके अंदर का रिंग कैप खत्म हो चुका है। चलिए इसे ओपन करते हैं और उसे निकाल कर एक नया रिंग कैप लोड करते हैं और फिर फायर करके आपको दिखाते हैं। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये रहा मेरे पास रिंग कैप, चलिए इसे निकालते हैं और लोड करके आपको दिखाते हैं। तो कुछ इस प्रकार लोड हो चुका है हमारा गन, चलिए फायर करते हैं। दोस्तों इस गन के साउंड भी काफी कमाल का था। नेक्स्ट हमारे पास है चिटपुट गन, तो चलिए इसके अंदर चिटपुट को लोड करते हैं और फिर फायर करते हैं कि आखिर इसका साउंड कैसा आता है। तो कुछ इस तरह से लोड करते हैं चिटपुट इसके अंदर। अब चलिए लोड हो चुका है हमारा गन, अब फायर करके दिखाते हैं आपको। दोस्तों इसका साउंड काफी कमाल का था। नेक्स्ट हमारे पास है पिंक कलर का रोल कैप गन, तो इसे भी कुछ इसी तरीके से लोड करते हैं हम और फायर करके आपको दिखाते हैं और देखते हैं इन दोनों में किसका साउंड बेटर है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है पोपो, तो चलिए इसे टेस्टिंग करते हैं आखिर यह कैसा साउंड करता है। दोस्तों पोपोप के बाद हमारे पास है ब्लैक सर्पेंट, चलिए इसका टेस्टिंग करते हैं आखिर ये कैसा जलता है। दोस्तों ये ब्लैक सेपेंट काफ़ी अच्छे तरीके से जला। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है बीडी बम, इसे भी टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं आखिर इसका साउंड कैसा आता है। दोस्तों बीड़ी बम का साउंड काफी लाजवाब था। नेक्स्ट हमारे पास एक आइडिया है, इसमें हम मोमबत्ती के ऊपर धागे बम को जलाकर देखते हैं यहाँ पर ये साउंड कैसा करता है। दोस्तों एक धागा बम को हम पत्थर से फोड़ कर देखेंगे यहाँ पर इसका साउंड कैसा आता है। दोस्तों पत्थर से फोड़ने पर काफ़ी अच्छा साउंड आया। चलिए पोपो को भी पत्थर से फोड़ते हैं यहाँ पर इसका साउंड कैसा रहता है।